हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से घर का बना हुआ सेरेलैक्स का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। इसके लिए आप आधा कप ओट्स, आधा कप पोहे, ड्राई फ्रूट, मखाने आप ले सकते हैं। आप इसमें कम या बेसी कर सकते हैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग। गर्मी है, इसके हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो सबको हम बारी बारी से भून लेते हैं। पहले हम ओट्स को भून लेते हैं। ये अपने सुनहरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आने लगती है। तो इसको हम बिल्कुल धीमी आंच में भून लेते हैं। सबको जलानी नहीं है, एकदम धीमी धीमी आंच में भून लें ताकि अच्छे से ये पक जाए। जब ये भून जाए उसके बाद मैं पोहे को भी भून लेती हूँ उसी के तरीके। ये घर का बना सेरेलैक्स है। आप मार्केट का मतलब सेरेलैक्स बच्चों के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। आप इसको घर में बनाएं, आप 8 मंथ के बाद बच्चे को खिला सकते हैं। मैं अपने बच्चे को देती हूँ, मेरा बच्चा 1 साल प्लस हुआ है। मैं इसको एक टाइम दिन में मतलब देती हूँ, पूरे दिन में एक टाइम। आप इसमें फ्रूट मतलब जब बनाएं बच्चों को सेरेलैक्स तो इसमें आप एक कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ड्राई फ्रूट को भी मतलब भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट जब भून जाए उसके बाद में मखाने को भी भून लेते हैं। इसमें आप 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी मैं धीमी आंच पे भून लेते हैं क्रिस्पी होने तक। जब ये सारे भून जाए तो इसको मैं बारी बारी से सारे को ग्राइंड कर लूँगी और एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसको फिर अच्छे तरीके से सारे को मिलाकर और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको हम रख लेते हैं। आप इसको आसानी से 1 मंथ यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को दूध या पानी के साथ बना सकते हैं। मैं अपने बच्चे को दूध के साथ देती हूँ। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो आप उसको दूध के साथ दें, और कम 1 साल से कम बच्चे हैं तो आप इसको पानी के साथ भी दे सकते हैं। मतलब बच्चे को पचने के ऊपर है। मैं अपने बच्चे को दूध के साथ देती हूँ। आप अपने बच्चे के खाने के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 1 चम्मच 2 चम्मच पानी दूध में अच्छे तरीके से मिला लें ताकि इसमें लंग्स नहीं बैठे। आप इस मतलब मीठे में मतलब मीठे होने के लिए आप इसमें ताल मिश्री यूज कर सकते हैं या कोई फ्रूट